Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मालाकंद यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। होती है वो आगे निकल जाती है। शाह वलीउल्लाह और इलामा इकबाल दोनों कहते हैं कि मुसलमान पीछे रह गए मगरब से, कि उधर डेमोक्रेसी आ गई या बादशाह बढ़ती गई। बादशाह और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है? जितनी बेहतर डेमोक्रेसी उतनी बेहतर मेरिटोक्रेसी, क्योंकि जो लीडर होता है डेमोक्रेसी में वो मेरिट के ऊपर आता है। यहां जब आपकी डेमोक्रेसी नहीं होती, बादशाह होती है, तो वो खून के ऊपर आता है कि बादशाह तो उसका बेटा, तो उसका बेटा हो तो उसकी बेटी है, तो उसमें मेरिट तो कोई नहीं है। और जो क्योंकि बादशाह की जो सेकंड चीज होती है कि वो जो शहजादे होते हैं वो इतने आराम से पले होते हैं, उनकी कोई स्ट्रगल ही नहीं होती, तो वो कभी भी जो लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि जो लीडर होता है वो, मैं सेकंड चीज पे आता हूं कि लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, लेकिन लीडरशिप जमहूरियत में, मैं अपनी जमहूरियत की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारे मुल्क में कभी भी हकीकी डेमोक्रेसी नहीं आई, मैं जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। जितनी जेन्युइन डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रगल करके लीडर मेरिट पे आता है, और दूसरी तरफ बादशाह तो मेरिट पे नहीं आता। तो इसलिए इलामा इकबाल और शाह वलीउल्लाह ने जब कहा कि मुसलमान डेमोक्रेसी उनकी डेमोक्रेसी आ गई और यहां बादशाह, उनका मतलब यह था लीडरशिप मेरिट पे आई और यहां खून पे डीजेनरेट कर गई। आप देखिए, अजीम एक बादशाह होता था, एक मुगल तकड़ा बादशाह आता था, शेरशाह सूरी, लेकिन उनके बच्चे नहीं उसका मुकाबला कर सकते थे क्योंकि वो उस स्ट्रगल से गुजरे नहीं थे जिससे वो लीडर गुजरा था। लिहाजा पाकिस्तान को हमने ठीक कैसे करना, हमने इदारे मजबूत करने, हमने एक मुल्क में गवर्नेंस सिस्टम ऐसा लेके आना है कि जो मुल्क का बेहतरीन टैलेंट है वो ऊपर आ सके। मैं आपको मिसाल देता हूं क्यों यूरोप हमारे से आ गया। हमारी जो वसाइल इस मुल्क के, आप अंदाजा नहीं लगा सकते अल्लाह ने या क्या जन्नत दी है। इस पे हर कुछ है इस मुल्क में। इस मुल्क के अंदर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते जो वसाइल हैं बनिस्बत यूरोपियन ममालिक के। जर्मनी के पास क्या वसाइल है, स्विट्जरलैंड के पास क्या है, फ्रांस के पास क्या है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस स्विट्जरलैंड ये क्यों आगे निकल जाते हैं, मैं आपको एजुकेशन सिस्टम बताता हूं क्या है। उधर का एजुकेशन सिस्टम ये है, पाकिस्तान का पहले एजुकेशन सिस्टम ले लेना, हमारा तो सीधा 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम, 22-23 लाख बच्चे दीनी मदरसों में, और 3.25 करोड़ बच्चे उर्दू मीडियम। 3 निजाम चल रहे हैं, एक है एलीट के लिए, एक है जनरल लोगों के लिए सरकारी स्कूल, और फिर दीनी मदरसे हैं। 3 पैरल सिस्टम चल रहे हैं। हम स्वाय एक एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हम मौका ही नहीं देते अपने लोगों को ऊपर आने का। हमने उनके लिए खुद ही रुकावटें पैदा कर दी हैं। जब आप उनको प्रोफेसर और टीचर्स नहीं देते, फैसिलिटीज नहीं देते, साइंटिफिक लेबोरेटरीज नहीं देते, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे वो थोड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल जिधर पैसे वाले लोग जाते हैं। मैं एजुकेशन कॉलेज में पढ़ा, फैसिलिटीज थी, कैसे वो लोग, वो बच्चे मुकाबला कर सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। अब तो खैर पख्तूनख्वा में तकरीबन सारी जगह टीचर्स आने शुरू हो गए हैं, तो पहले तो 50% स्कूलों में टीचर्स ही नहीं थे, और फिर टीचर की भर्ती कैसे होती थी। मैं ये बार बार लोगों को मिसाल देता हूं, मैं 2002 में जब पहली दफा एमएनए बना तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ, जो चाय सर्व करता है वो दरखास्त लेके आ गया। मैंने दरखास्त पढ़ी, कैसे बनना चाहता हूं मियां वाली। मैंने कहा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, कहता मैट्रिक फेल। तो मैंने कहा तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो, कहता जी आपका कोटा है, एमएनए का कोट है टीचर बनाने का। अब सोचे कि कोई कौम अपने लोगों से इतना जुल्म करती है, ये सोच सकता है कोई?
कि जो आपका फ्यूचर है उसके लिए आप एमएनएस को रोजगार देने के लिए आप भर्ती करवा रहे हैं लोगों को, कोई इतना जुल्म कर सकता है? और ये हैं जो 3.25 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं उर्दू मीडियम में। क्या होता है, जो सबसे बेहतरीन तालीम है वो गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है, मुफ्त तालीम। जो बच्चा 11 साल की उम्र का इम्तिहान पास, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, वो गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता है, वो चाहे शहजादा हो चाहे वो शहजादे का नौकर हो, सबके बच्चे जो एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं वो चले जाते हैं वहां। सबसे बेहतरीन टीचर्स प्रोफेसर स्कूलों उन स्कूलों में होते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जा सकते वो जाते हैं फिर प्राइवेट स्कूलों में। उससे होता क्या है कि सारा टैलेंट, बेहतरीन इन मुल्क का टैलेंट हर साल ऊपर आ जाता है, उससे मुकाबला करें अपना टैलेंट, यहां टैलेंट ऊपर आ ही नहीं सकता। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारा सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर, यमन के बाद पाकिस्तान का पॉपुलेशन सेकंड है। यह हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है और यह हमें तबाह भी कर सकती है अगर हम इनको तालीम ना दें। तो जो एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि एक मेरिटोक्रेसी का निजाम चाहिए जो इस मुल्क का बेहतरीन टेंपर लेके आए। नमल यूनिवर्सिटी की मैं आपको मिसाल दे, नमल यूनिवर्सिटी की डिग्रीज मिलती है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की। मैं चांसलर था, मैंने उनसे, मैं चांसलर बनने का मैंने उनको ये कहा कि अगर आप मियांवाली में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मदद करेंगे मेरी, तो तब मैं आपका चांसलर बनूंगा। तो अब सोचें कि मियांवाली में बैठ के 90% बच्चे स्कॉलरशिप पे मुफ्त पढ़ रहे हैं और वो ले रहे हैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री, इसमें से 75% अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है एक साल फाउंडेशन कोर्स, फिर वो पढ़ते हैं। अब आप सोचें, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट करके लेते हैं, आप जरा रिजल्ट देखें। वहां मियांवाली में पहली देहात के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, कोई प्राइवेट सेक्टर की नहीं है। मियांवाली में बैठ के वहां के बच्चे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले में, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम फर्स्ट डिविजन मिलती हैं वो 10% है। इस बारी नमल यूनिवर्सिटी की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज जो थी 53% में फर्स्ट डिविजन ली, 53% फर्स्ट डिविजन ली, और 75% उर्दू मीडियम के थे। ये क्यों ली इन्होंने? हैं उस तबके के बच्चे जिनमें हंगर और ड्राइव है, जिन्होंने सोचता है कि हमने अपने खानदानों को उठाना है, हमें मौका मिला है, अपनी बहनों की शादियां करवानी है, हमने अपने मां बाप का ध्यान रखना है। वो ड्राइव जो कि मेरे स्कूल में जब मैं एचएसएन में था उन बच्चों में नहीं है, क्योंकि उनकी आसान जिंदगी है। तो जो ये बच्चे यहां से, जो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब आप यहां एजुकेशन के मौके देंगे हमारे हर तबके के गरीब घरानों के बच्चे, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जीनियसेस निकलेंगे, वो बच्चे निकलेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना टैलेंट हमारा नीचे बैठा हुआ है। आपको मैं और देता हूं क्रिकेट की। अब एचएसएन कॉलेज में बेहतरीन क्रिकेट फैसिलिटीज थी, हमारे पास कोच था, बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड थी, नेट फैसिलिटीज थी। एचएसएन कॉलेज के बच्चे नहीं मुकाबला कर सकते थे वो बच्चे जो सड़कों पर खेलते थे, जो रात को बत्तियों के नीचे खेलते थे, जो मिंटो पार्क में लाहौर खेलते थे। एचएसएन कॉलेज के बच्चे उनका नहीं मुकाबला कर सकते थे। तो जो टैलेंट आता था वो इधर से आता था, जिनमें जुनून था, जिनके अंदर आग थी, उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे जो कि आराम में और आसान जिनकी जिंदगियां थी। तो पाकिस्तान आज उधर खड़ा है, यहां तालीम के लिए एक निजाम बना दिया कि हमने इस मुल्क का मेरिट ऊपर लेके आए, गरीब घरानों के बच्चों को ऊपर लेके आए, जिनको जो मेहनत करेंगे, जिन्होंने, जो होता क्या था पहले साल में बेचारे पीछे रह जाते थे नमल यूनिवर्सिटी, लेकिन वो इतनी मेहनत करते थे, दूसरे साल कैचअप करते थे, तीसरे साल आगे निकल जाते थे। उसी तरह सारे जितने भी हमारे इदारे हैं,
ये सारे इदारों को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये जो आप हम सब समझते हैं पाकिस्तान में ये भी बुरा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे जो 4 साल मैंने ये तजर्बा हुआ है पख्तूनख्वा का, ये तो पहली दफा हमारी पार्टी को गवर्नेंस का तजर्बा हुआ है, और उसमें से 1 साल वो धरने में तकरीबन निकल गया और उसके बाद 1 साल वो मुझे क्यों निकाला में निकल गया पैनमा में। तो 2 साल में, 2 साल का जो तजर्बा मैं आपको बताऊं वो ये कि ये सारा मुल्क बड़ी जल्दी ठीक हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो तजर्बा था वो, अब आप ये देखें कि लोग पुलिस को बुरा समझते हैं पंजाब में और सिंध में, वो ये नहीं समझते कि पुलिस हमारे मसले हल करेगी, लोग पुलिस से डरते हैं। एडी ख्वाजा जो आईजी हैं सिंध पुलिस के, उन्होंने ये कहा कि हमें पख्तूनख्वा वाली पुलिस चाहिए, और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि मेरे नीचे जो ऑफिसर्स पैसे दे के उनकी प्रमोशन होती है, वो खुद कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर पैसे दे के अपनी प्रमोशन करवाते हैं उन्होंने किससे पैसे वसूल करने हैं, अवाम से। तो वो जिन्होंने अवाम की हिफाजत करनी है वो जब अवाम को लूटना शुरू हो जाएगी तो अवाम तो बेचारी गई। तो ये पुलिस का सिस्टम 6-6 दफा बारियां लिए इन दोनों में पंजाब में और सिंध में, क्यों नहीं पुलिस ठीक कर सके। और ये आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे फख्र है ये पख्तूनख्वा की पुलिस पे। आपको आपको अंदाजा नहीं कि इन कितना प्रेशर था पख्तूनख्वा इसमें। 2013 में 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, फ्रंट लाइन थी, जो सारा अटैक आता था पख्तूनख्वा पे आता था। 2013 में जो टोटल अटैक थे बाकी 3 सूबों के अंदर वो 98 थे, पख्तूनख्वा के अंदर 120 अटैक थे, बड़े टेररिस्ट अटैक, और कबाई इलाके में 80 थे, तो 200 अटैक छोटे से एरिया में थे, बाकी सारे सूबों का मिला के 100 भी नहीं बनता था। तो वो पुलिस आज उसने 70% क्राइम की आई है, 70% दहशतगर्दी नीचे आई है। तो क्या किया, एक क्वालिटी के आईजी को लेके आए, उस पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया, किसी किस्म की हमारे लोगों के सियासतदानों की प्रमोशन हुई, एनटीएस सिस्टम के ऊपर मेरिट पर प्रमोशन हुई, और वो पुलिस ट्रांसफॉर्म हो गई। और अभी आप देखेंगे और ये पहला स्टेप है, अब हम वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं कि ये और लेवल पे चले जाएंगे। तो ये हर इदारा ठीक हो सकता है। ऐसे यूनिवर्सिटीज में हमने क्या किया, हमने प्रोफेसर उतार अमान को कहा कि वो जो लीडिंग पाकिस्तान के एकेडेमिक हैं, आप रिसर्च, आप सिलेक्शन कमेटी बनाए वाइस चांसलर्स की। उन्होंने अपनी टॉप टीम लेके आए लीडिंग एकेडेमिक्स की, उन्होंने चूज किए हैं वाइस चांसलर्स। तो ऊपर से वाइस चांसलर की सिलेक्शन यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रखें कि वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का लीडर, जिसके ऊपर मैं सेकेंड चीज आ रहा हूं लीडरशिप के ऊपर, और जितना आपका बेहतर वाइस चांसलर उतनी आपकी बेहतर चलेगी। जितना वो वाइस चांसलर उसके अंदर सिस्टम्स बनाएगा, अगर वो क्वालिटी से है आपकी यूनिवर्सिटी उतनी बेहतर चलेगी। तो उसी तरह कोशिश है कि सारी जगह के ऊपर डीपोलिटिसाइज करें, मेरिट को लेकर आए। और मैं आपको ये बता रहा हूं हमारे हाथ में नहीं है, जो असल तो इदारे हमारे हाथ में नहीं है, वो जो सेंटर में है, लेकिन इंशाल्लाह अगली इलेक्शन में इंशाल्लाह जब तहरीक साहब जीतेगी, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस मुल्क के हम इदारों को ऐसा बनाएंगे, आप यकीन करें इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि पुलिस का सबसे मुश्किल इदारा है ठीक करना, क्योंकि पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, रिश्वत लेने की। जब हमने बाकी इदारे, और इदारा कौन सा है, नैब सबसे इंपॉर्टेंट इदारा, उसके बाद FBR, दो चीजों के ऊपर हमने, FBR के अंदर, ये आप स्टूडेंट्स बैठे हुए जरा ये नोट करें कि टोटल पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन कितनी है, 3500 अरब रुपया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि सिर्फ FBR के अंदर जो चोरी और नाहली है वो है 3200 अरब रुपया। आप सोच लें कि ये कितने लेवल की चोरी हो रही है। इस
रिसोर्सेज किस तरह चोरी हो रही है, जो खर्च होने चाहिए लोगों की तालीम पे, बेहतर यूनिवर्सिटीज पे, आपकी रिसर्च पे, वो सारा पैसा 3200 अरब 3.2 ट्रिलियन रुपीज सिर्फ एफबीआर की चोरी है। इसके ऊपर लगाए जो नैब के जो पिछले चेयरमैन थे, जो पिछले से पिछले एडमिरल फसीउद्दीन, वो कहते हैं कि नैब की जो चोरी है, जो जो करप्शन है, एक दिन की पाकिस्तान में वो 12 अरब है। तो वो आप लगाते हैं कि 12 अरब की आप करप्शन के ऊपर काबू पा जाए सिर्फ दो चीजों के ऊपर, पाकिस्तान को सॉल्वेंट करना है, आज कर्जों में डूबा हुआ है, दो चीजें करनी है, एक नैब को मजबूत करें, और नैब को ये छोटे छोटे पटवारी पकड़ने की जरूरत नहीं, ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इक्तदार में आके पहले इक्तदार से पहले क्या थे अब क्या है, इनके ऊपर हाथ डालें, एफबीआर को एक ऑटोनमस बॉडी बनाएं, जिस तरह हमने पुलिस को किया, डिपोलिटिसाइज करें, मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, ऑटोमेटेड सारा सिस्टम बनाए, कंप्यूटराइज सब कुछ करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क में हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हमें कर्जे लेने की बिना जरूरत पड़े, हम वो पैसा अपने अपने तालीम पे लगाएं, अस्पतालों पे लगाएं, साफ पीने के पानी पे, लोगों पे लगाएं, बेरोजगारी दूर करने पे लगाएं, और इतना पास है कि बड़ी तेजी से फिर से जो तरक्की कर रहा था फिर वहां जा सकता है। सेकेंड अब आपके लिए लीडरशिप, जो सेकेंड मेरा टॉपिक है, देखिए हर इंसान लीडर है, समझ जाए, अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और फरिश्तों को कहा के सामने झुको, और जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को वो चीज दी है जो तुम्हें भी मिली, मैंने दी। तो हर इंसान में अल्लाह ने इतना पोटेंशियल पैदा किया है कि वो हर इंसान लीडर और अजीम इंसान बन सकता है। वो मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि जब अल्लाह कहता है जब मैंने तुम्हें पढ़ दिए हैं तो तुम क्यों चूड़ियों की तरह जमीन पर रिंगते हो। अल्लाह ने इंसान को पोटेंशियल दिया है, हर इंसान इकबाल का शाहीन बन सकता है, लेकिन इंसान ने अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ है जमीन पर। जो जंजीरें हैं ये क्या है, क्या चीज रोकता है कोई अजीम इंसान बनने का। और ये जो पीरियड है, मैं लोगों को कहता हूं, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास टाइम हो तो जरूर ये स्टडी करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद उनके जाने के, कभी दुनिया की तारीख में इतने ग्रेट इंसान इतने थोड़े वक्त में नहीं आए। वही अरब थे, कोई पूछता नहीं था, एक तरफ रोमन एम्पायर, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, वही अरब, ना उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी, ना उनके पास कोई, तब तो तेल था जमीन में लेकिन उसकी अहमियत ही नहीं थी किसी को, ना उनके पास कोई पैसा आया, क्या चीज थी वो लोग कहां से कहां पहुंच गए, जो रूबी ने कहा कि पारे तुम्हारे पास, किधर से वो चूटियों से इकबाल के शाहीन बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का जो पोटेंशियल है इंसान का, अशरफुल मखलूकात का, वो रिलीज कर दिया। एक दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने बाकी सबको भी लीडर बना दिया, जिन्होंने उनको देखा सब लीडर बन गए। तो वो क्या चीजें थी, वो क्या चीज है जिसने आपको जमीन पर रोका हुआ है, वो क्या चीज है जिधर जो जिसकी वजह से एक बड़ा एक अजीम इंसान एक छोटा सा इंसान बन जाता है। तो वो ये जो आपकी जंजीरें हैं ये तोड़नी पड़ती हैं, वो आप इंसान बन सकते हैं। बड़े इंसान की बड़ी विजन होती है, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा इंसान। जो भी तसव्वुर कर ले, ये मेरी बड़ी गौर से बात सुनना, मैंने जिंदगी में ये मेरा सारी जिंदगी में मेरी ये चीज रही कि जो मैं एक दफा ख्वाब देखता था ना, वो मैं समझता था हो सकता है। जो भी आप अपने जेहन में तसव्वुर करते हैं ना, ये याद रखें वो हो सकता है। इंसान जब आप तारीख उठा के देखें, पहले कॉमेट्स आती थी, चांद पे जा रहा है इंसान, आज से 100 साल पहले तो ख्वाब ही था ना, चला गया इंसान चांद पे,
कि जो भी इंसान ने चीजें पहले सोची, पहला मुसलमान था जिसने उड़ने की कोशिश की, आपको ये पता या नहीं, आज से 800 साल पहले एक वो है भी इस्तांबुल में एक जगह जिधर उस मुसलमान ने वो पर उड़ने की कोशिश की, वो पहली दफा था। तो इंसान ने ये सारी चीजें पिक्चर की पहले, फिर हुई। आप सब में अल्लाह ने एक मकसद दिया हुआ है, हर इंसान में मकसद है। वो कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया हुआ है। हम सब का कोई ना कोई मकसद है, उस मकसद को ढूंढो। एक किताब है एल्केमिस्ट, लिखी तो मेरे ख्याल में कैथरिक ने है, लेकिन उसने बिल्कुल इसी चीज को और तरह लिखा है। उससे कहते हैं होल ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू नो योर डेस्टिनी। जो आपके दिल में और आपके सबके दिल में, क्योंकि दिल में अल्लाह बसता है, हर सबके दिल में चीज होती है कि मैं ये करना चाहता हूं, ये है आपका मकसद दुनिया का, इसको ढूंढो। ये जो आपका दिल कहता है ना, मेरे में और लोगों में क्या फर्क था, मेरा जो दिल कहता था ना वो करता था। दुनिया मजाक उड़ाती थी, दुनिया हंसती, कि तो अभी भी मजाक उड़ाते हैं, कि अभी भी हंसते हैं। तो ये हमेशा जो भी इंसान वो चीज करता है जो और इंसानों से हटके है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। एक फेमस सेइंग है कि एक फ्रॉस्ट कुछ उसका नाम है, उसकी सेइंग है कि आई चोज द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। मैं उस रास्ते पे गया जिस पे और कोई नहीं जाता था। एडमंड हिलरी पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया। जितने भी पहलों ने कोशिश की, या मर गए या वो फेल हो गए। तो वो रास्ता उसने पकड़ा, सारी दुनिया की तारीख में वो एडमंड हिलरी याद रहेगा दुनिया को। उसके बाद कई और ऊपर चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन उसको याद रखेंगे। तो ये जो रास्ता इंसान उस पर जाता है जिस पर बाकी डरते जाते हुए, वो है वो है आप दिल कह रहा है। रोकता क्या आपको, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं जब पहले टेस्ट में खेला और मैं फेल हो गया तो बड़े लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, टीम मेरा मजाक उड़ाया। मैं सबसे छोटा था टीम में। अखबार में भी आया कि इमरान खान नहीं, इमरान कांट, तो मजाक उड़ता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मजाक नहीं उड़ता, फिर लोग वही आपको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं। आपसे लोगों को खौफ होता है कि जनाब मेरा मजाक उड़ेगा, लोग हंसेंगे। ये याद रखें। अब मैं फिर जाता हूं कि क्या चीज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग आजाद हो गए इन चीजों से। कुरान में है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ने लोगों से ले लिया, जो मर्जी आप मजाक उड़ाएं, इज्जत तो अल्लाह ने दे दी है। एक जंजीर ये टूट गई। जब आपने ये जंजीर, जो कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे जब आप निकल गए तो आप और ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो गए। मैं जब पहला अपना मैच खेला लाहौर में तो बैटिंग करने गया। अब आपको पता है बैटिंग 70 गज दूर पवेलियन से बैटिंग करने जाना, पिच पे बड़े नारे लगे मेरे। पहली दफा लाहौर में, उन्होंने कहा जी शेर लाहौर, शेर लाहौर जिंदाबाद। वो सारा रास्ते मेरे शेर लाहौर के नारे लगे। पहली गेंद पे मैं आउट हो गया। अब मैं 70 गज वापस आ रहा हूं। अब मैं वही देख रहा हूं कि जो शेर लाहौर कह रहे थे कोई मिनट पहले, उन्होंने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, वो खातिन बैठी, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके सामने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, अब आपको फिर लिए चलते हैं मालाकंड यूनिवर्सिटी। तहरीक इंसाफ इमरान खान एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अगर हम वो एक खुदा कह रहे हैं तो हमारे तो बुत चले जाएंगे जिससे हमें पैसा बनता है और हमारी खुशहाली है जिसकी वजह से। तो सारे पैगंबर स्टेटस को के खिलाफ, जालिम के खिलाफ खड़े हुए, राय हक पे खड़े हुए। और यही है जब आप मांगते हैं अल्लाह से, मैं सोचता हूँ कि लोग सारे पांचवा ये नहीं पता मैं नमाज में क्या मांग रहा हूं अल्लाह से। आप अल्लाह से मांग रहे हैं उनका रास्ता,
और उन सब का रास्ता मुश्किल रास्ता था। ये जो आसान रास्ता ढूंढते हैं ना, आसान रास्ता आपकी तबाही का रास्ता। आपने अपने बच्चों को तबाह करना है ना, आपने अगर अपने बच्चों को तबाह, उनसे जुल्म करना है, उनको आसान जिंदगी देना है। जितना अमीर बाप होगा, जितना वो खराब करेगा पैसे से, बच्चों को बर्बाद कर देगा। आप एक इंसान की जिंदगी से स्ट्रगल निकाल दें, इंसान खत्म हो जाता है। जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है, वो इंसान को बनाता है। लीडर बनता ही जद्दोजहद से है। एक मुश्किल वक्त का सामने खड़े होकर स्टैंड ले लेके वो उस होता क्या है कि वो मेंटली तकड़ा हो जाता है। और वो क्या होता है कि वो स्ट्रगल करते करते मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, उसको मुश्किल ही नहीं लगती। वो जब लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जब प्रेशर पड़ता है लीडर खड़ा हो जाता है, प्रेशर लेना आ जाता है। फिर मैं आता हूं कि बादशाह के अंदर ये शहजादे आराम की जिंदगी में गुजारते थे, आसान जिंदगी गुजारते थे, आहिस्ता 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 बादशाह में वो पीछे जाती थी। उसी तरह जो डेमोक्रेसी में स्ट्रगल करके आते हैं वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए आप तारीख उठा के देखें, हमारे जो इस मुल्क के जो जिनको मैं मानता हूं, आप उनकी जरा तारीख पढ़े, जितनी मुश्किलों का उन्होंने सामना करना पड़ा, जितनी मायूसियां उठानी पड़ी। सबसे अजीम सारे ब्रिटिश इंडिया के नंबर वन बैरिस्टर थे, सबसे ज्यादा उनकी फीस थी, सबसे अमीर वकील थे, अमीर तरीन आदमी थे अपनी सलाहियत की वजह से, इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे, और उनको और लीडिंग पॉलिटिशियन थे जब तक गांधी नहीं आया हिंदुस्तान, कांग्रेस के लीडिंग पॉलिटिशियन थे। लेकिन वो आराम से कांग्रेस में भी रह सकते थे, वो आराम से उनका बड़ा स्टेटस हो सकता था, नई पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते हैं। लेकिन उन्होंने तब उनकी तब उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो हम आजादी मांग रहे हैं अंग्रेज से, ये जो कांग्रेस है ये हमारे लिए नहीं, ये हिंदुओं के लिए आजादी मांग रही है, ये हिंदू राज मांग रहे हैं। और जिसको लोग यहां पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि नहीं मानते थे टू नेशन थे। जर्मन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त मालाकंड यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए मुख्तलिफ कानून हो तो कौमें तबाह हो जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इदारों को दुरुस्त करना मुश्किल काम नहीं, मत के चार साल में से एक साल धरने में निकल गया। इमरान खान जो कि इस वक्त मालाकंड यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और वो रोशनी डाल रहे थे बाबा कौम हज़रत कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा इस्लामाबाद पुलिस को भेज दिया। इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज ही तौहीन अदालत मुकदमे में